सूतक पातक में भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक साधक हैं और सांस लेना नहीं छोड़ रहे हैं, भोजन करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो कृपया मानसिक जप भी मत छोड़िए। ठीक है कि अशुद्धि के कारण आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, पुनश्चरण नहीं कर सकते, माला नहीं फेर सकते, विशेष पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक जप तो कर सकते हैं। वो तो श्वासों की लड़ियों के साथ है, क्योंकि अगर सूतक पातक में ही हम मर गए तो क्या भजन नहीं करेंगे? तभी तो भजन करेंगे, प्रभु का नाम तो लेंगे, तो वो तो आप तभी भी लेना है। और रही पहले के ज़माने में, ज़्यादातर बालक भी घर में पैदा होता था और मृत्यु भी घर में होती थी, लेकिन अभी समय बदल रहा है। अब ज़्यादातर बालक हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तो घर में उस तरह की ऊर्जा नहीं होती है जो बालक के जन्म के बाद बनती थी, क्योंकि बालक ने घर में जन्म लिया ही नहीं। बालक ने तो जन्म लिया हॉस्पिटल आदि में, बालक ने तो दूसरी जगह जन्म लिया। तो जो बालक के जन्म के समय प्रसव में माँ के होने से जो वहाँ पर गंदगी होती थी या जो ऊर्जा वहाँ की पनपती थी, उसके लिए धुनी लगाई जाती थी, बहुत सारे प्रयास किए जाते थे, लेकिन उस समय ठाकुर जी को एकदम अलग करना पड़ता था, क्योंकि उस समय गंदगी हो जाती थी। पर अभी वैसा माहौल नहीं है। अभी मृत्यु में भी अगर देखा जाए, घर में नहीं मरा है, घर में डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो जो सूतक पातक है उतना उसका जो ऊर्जा का घेरा है वो मान्य नहीं होगा। शरीर पर सिर्फ इतना मान्य होगा जितना हम उसके संपर्क में जाते हैं, सूतक के में भी और पातक के में भी, क्योंकि हमारी पूजा करना या नहीं करना वो ऊर्जा से संबंधित था और ऊर्जा से ही संबंधित है। दोष कौन सा दोष लगना है? ऊर्जा को दोष लगना है। जब सूतक होता है और हम प्रसव की स्त्री के पास आते जाते हैं, बालक के पास आते जाते हैं, या उस वातावरण में हम हैं जहाँ प्रसव हुआ है, तो हमें सूतक लगा है क्योंकि हम उस ऊर्जा में हैं। हम किसी शमशान में गए हैं, मृत्यु वाले व्यक्ति के आसपास हैं, तो हमें वो पातक का जो ऊर्जा है, वो जो मरे हुए व्यक्ति के आसपास जो अनेक मरी हुई व्यक्तियों की ऊर्जा आ जाती है, वो घेरती है। इसीलिए कहते हैं उस समय ठाकुर जी के पास नहीं जाना, अनुष्ठान नहीं करना, उस समय ये नहीं करना। लेकिन अब इतनी गहराई में समझने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को पहचानना आना चाहिए, व्यक्ति में उतनी समझ होनी चाहिए। पर जब भारत में गुरुकुल नष्ट हुए तो मनुष्य की जो समझ है वो अंग्रेज वाली हो गई, म्लेच्छों की गुलामी से आत्मा मर गई और जो बुद्धि थी वो कॉन्वेंट हो गई। फलस्वरूप गुरुकुल में जो ऋषि मुनि जिस ऊर्जा के क्रम को, जिस चक्र को समझाते थे, वो नष्ट हो गया। अब अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम सनातन धर्मियों के पास एक ही उपाय बचा था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उसको समझ सको, अगर आप उसको समझ सको, अब जैसे कोई आदमी, एक आदमी ने किसी पिंजरे में एक बंदर को बंद किया और केले लटका दिए पिंजरे के ऊपर। बंदर केला लेने उछलता था, वो ऊपर से ठंडा पानी डाल देता था, तो बंदर को पक्का पता चल गया कि केला लूँगा तो ठंडा पानी गिरेगा। फिर दूसरा बंदर आया, उसमें बंद किया, वो भी उछला, ऊपर से ठंडा पानी गिरा, तो उसने भी बताया कि तू केला लेगा तो ठंडा पानी गिरेगा। फिर तीसरा बंदर आया, उसको तो उछलने ही नहीं दिया कि उछलेगा तो ठंडा पानी गिरेगा। चौथा बंदर आया तो उसको ये भी नहीं बताया कि क्यों नहीं उछलने दिया जा रहा है कि ठंडा पानी गिरेगा, बस इसलिए कि उस पर उछलना वर्जित है, उछलना ही नहीं है। और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गई कि केले जरूर दिख रहे हैं पर उसे पकड़ना नहीं है। बस ऐसे ही परंपराएं बनती चली जाती हैं। अगर हम फिर से गुरुकुल आरंभ कर सकें तो हम इन प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे कि
कि सूतक पातक में पूजा नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और अगर सूतक पातक में भी पूजा होती है तो किस तरह से होती है। सूतक पातक में ऐसा नहीं है पूजा नहीं होती, होती है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, और उन परिस्थितियों को जानने के लिए आपको ऊर्जा का क्रम जानना पड़ेगा, शुद्धि और अशुद्धि को जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु के समय कौन सी आत्माएं, कौन सी ऊर्जाएं हमें घेरती हैं, उसे महसूस करना होगा। अगर आपको उसे महसूस करना आता है जो ऊर्जाएं घेरती हैं, आप श्मशान जाइए, आपको अगर कुछ ऊर्जाएं अलग लगती हैं, आप होटल के कमरे में घुसिए और आप एक संत की कुटिया में घुसिए, आपको पता चलेगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, आपको समझ में आएगा। आप किसी भोगी व्यक्ति से मिलिए और आप किसी भजनानंदी से मिलिए, आपको पता चलेगा ऊर्जा किसे कहते हैं। मरे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़िए और किसी छोटे से बच्चे का हाथ पकड़िए, आपको पता चलेगा ऊर्जा किसे कहते हैं। अगर आप ऊर्जा का क्रम जान जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सूतक पातक में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखने का विषय है। कई बार सूतक पातक में भी भजन होता है और कई बार सूतक पातक में भजन नहीं होता है। ये देखने योग्य है कि आप कौन सी परिस्थिति में हैं। वो जो मरा हुआ व्यक्ति है या जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है, वो आपसे कितनी दूरी पर है और आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से कहाँ तक टकरा रही है, उसी पर ये आधारित है कि आप सूतक पातक में पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन शास्त्रोक्त मैं अभी आपको सभी के आधार पर ये उत्तर दे सकती हूँ कि सूतक पातक में भगवान की पूजा अनुष्ठान आदि नहीं करना चाहिए। मानसिक नाम जप आप कर सकते हैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में।